बालूपुरा आईबीएम कॉलोनी निवासी अरविंद अरोड़ा पुत्र श्री बालकृष्ण अरोड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जयपुर निवासी महिला यानी कि पत्नी श्रीमती उषा किरण के साथ 19 फरवरी 22 को मेरी शादी हुई थी। शादी से पहले जिस लड़की ने मेरे से शादी करी है, शादी से पहले उसका मित्र था, बॉयफ्रेंड था नकुल शर्मा, नकुल नाम का लड़का था जो जयपुर गुजर थड़ी का निवासी है। उस बारे में मेरे को बताया नहीं, बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे उसका अफेयर था और उन ये लोग मिल करके मेरे से 5 लाख रुपए वसूल कर लिए धोखाधड़ी करके और अन्य प्रकार के कई कई तरह के आरोप लगा करके मेरे को ब्लैकमेल करके और पैसा वसूलना चाह रहे हैं लोग, जिसकी मैंने थाना आदर्श नगर पर 25/7/22 को मुकदमा दर्ज करवाया है। कार्रवाई लड़की ने क्या क्या दिया? दिल्ली में एक आईफोन दिलाया, बताया 79,000 का, और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, घूमने का, और इतना काफ़ी सारा खर्चा बताया इन्होंने कि ऐसे ऐसे खर्चा हुआ वाला, बाकी कैश 5 लाख रुपए देना बता रहे हैं परिवादी। और पैसे कैश 5 लाख रुपए बताना जाहिर हुआ है इसमें। तो इसके साथ लड़की ने क्या करा, धोखाधड़ी करी? लड़की ये परिवादी आरोप लगा रहा है इन पर कि पत्नी उषमा शर्मा ने मेरे साथ धोखाधड़ी करके शादी की है, पूर्व फ्रेम में क्या नाम बताया इसको, जयपुर निवासी निकुल शर्मा के बारे में मेरे को नहीं बताया था, जिसमें मेरे को अंधेरे में रखा, धोखाधड़ी करी है मेरे साथ। किन धाराओं में दर्ज हुआ ना? मुकदमा धारा 420, 400 से 384 पंजीबद्ध कर थाने पर अनुसंधान जारी है। आपका नाम? पर मेरा नाम हेड कांस्टेबल सुरेश चंद, आदर्श नगर थाना अजमेर। जो परिवादी कहाँ रहता है? परिवादी आईबीएम कॉलोनी आदर्श नगर बालूपुरा रोड पर रहता है। क्या करता है? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम करते हैं।